हेलो स्टूडेंट वेलकम टू स्वाति क्लासेस आज हम देखेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर इलेवन वर्क एंड एनर्जी इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर अगर आपने लेसन का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए आपको वहाँ पे सारे लेसन के वीडियोस मिल जाएंगे तो अगर आप एक बार लेसन को देख लोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर ईजिली समझ में आ जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर तो क्वेश्चन नंबर वन आपको दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स कि यहाँ पे ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हैं उनको आपको प्रॉपर जगह पे लिखना है जैसे कि अ बकेट फुल ऑफ वाटर इज टू बी ड्रॉन फ्रॉम अ वेल डैश विल बी डन वेन अ डैश इज अप्लाइड टू डू दिस बिकॉज देर विल बी अ डैश ऑफ वाटर तो यहाँ पे आंसर में हम क्या लिखेंगे सबसे पहले वर्क फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट सेकेंड है इफ अ बॉल इज ड्रॉप ऑन द स्लोपिंग रूप ऑफ ए हाउस इट एक्वार डैश तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोशन एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डैश तो यहाँ पे लिखना है काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी टेक्स प्लेस थर्ड वन है द सोलर कुकर इज एन अप्लीकेशन ऑफ द डैश तो यहाँ पे लिखेंगे हीट एनर्जी ऑफ द सन वाइल सोलर सेल्स सोलर लैम्प आर अप्लीकेशन ऑफ द डैश या लिखेंगे लाइट एनर्जी ऑफ द सन नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वन यू माइट हैव सीन सम फायर वर्क ड्यूरिंग दिवाली इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डैश एनर्जी इनटू डैश एनर्जी तो कौन सी एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी फिफ्थ वन है वन लेबर कैरियर फोर पैंस ऑफ रोड मेटल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड मीटर्स इफ़ यू कैरीज टू पैंस ऑफ रोड मेटल थ्रू अ टू हंड्रेड मीटर्स डिस्टेंस डैश वर्क विल भी डन तो यहाँ पे आएगा इक्वल सिक्स वन है द कैपेसिटी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ फॉर डूइंग वर्क इज कॉल्ड तो इसे क्या कहा जाता है एनर्जी तो so, इस तरीके से आंसर आपको लिखने हैं नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर टू माइट द कॉलम्स तो कॉलम ए और कॉलम बी आपको दिया है तो फर्स्ट वन जो दिया है रोलिंग ऑब्जेक्ट इसका आंसर आएगा सी काइनेटिक एनर्जी सेकेंड है फूड फूड का आंसर आएगा केमिकल एनर्जी थर्ड वन है स्ट्रेच बो मीन्स जो धनुष होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है तो डी पोटेंशियल एनर्जी फोर्थ वन है सन लाइट और सन लाइट के लिए कौन सी एनर्जी होती है तो फोर्थ का आंसर आएगा ए हीट एनर्जी फिफ्थ वन है यूरेनियम जिसका आंसर आएगा एटॉमिक एनर्जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री कैन यू टेल जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है वेन वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस कि हम कब कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हुआ है तो आंसर आएगा वेन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस वी सी दैट द ऑब्जेक्ट इज डिस अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजिशन चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि उसका डिसप्लेसमेंट हुआ है सेकेंड मैंने वर्ड शुड वी टेकन इंटू अकाउंट फॉर मेजरिंग वर्क वर्क मेजरिंग करने के लिए हम क्या ध्यान में रखते हैं तो आंसर आएगा फॉर मेजरिंग वर्क बोथ फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट मजब भी टेकन इंटू अकाउंट फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट देखा जाता है थर्ड वन है व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी तो एनर्जी के कौन से कौन से फॉर्म्स है जो आपको पता है जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी तो ये सब आंसर आएंगे नेक्स्ट है फोर्थ वन डिस्क्राइब द नेचुरल चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कि इस तरीके से नेचर में मिलने वाली चेन आपको लिखना है जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे जिसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन द कोर्स ऑफ वाटर साइकिल वाटर ईवरे ड्यू टू द हीट ऑफ द सन कि यूपरेशन प्रोसेस में हमें पता है कि पानी जो है हीट के कारण उसके वेपर्स बनते हैं दिस वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड्स दैट गिव रेन और उसी फिर वेपर से क्या बनते हैं क्लाउड्स बनते हैं अगर उसके बाद क्या होता है कि उसे कूल हवा लगने के बाद क्या होता है कि रेन होती है ये आपको पूरा वाटर साइकिल आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ है रेन वाटर फ्लोज इन टू रिवर्स एंड इज स्टोर इन रिजोवियर और डैम्स तो फिर रेन वाटर जो होता है वो जमा होता है डैम्स में या फिर रिजोवियर्स में दिस स्टोर वाटर एट अ हाई टेस्ट पोटेंशियल एनर्जी जो जमा रहता है पानी तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है एज द वाटर फॉल्स डाउन दिस इज ट्रांसफॉर्म इन टू काइनेटिक एनर्जी जब स्टोर किया हुआ पानी कहीं पर छोड़ा जाता है या फिर नीचे गिरता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी मीन्स अगर डैम का पानी जो है अगर वो छोड़ा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा काइनेटिक एनर्जी में वेन द वॉटरफल्स ऑन द टर्बाइन तो डैम से जो पानी टर्बाइन के ऊपर छोड़ा जाता है इट्स काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू टर्बाइन तो वही पानी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसे मिलती है टर्बाइन को द टर्बाइन रोटेट्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फिर टर्बाइन जब गोल घूमते हैं काइनेटिक एनर्जी के कारण तो उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका प्रोसेस आपने देखा होगा वाटर से किस तरीके से बनाई जाती है तो वहाँ पर इस तरह की एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में क्या होती है कन्वर्ट या फिर ट्रांसफॉर्म होती है नेक्स्ट वन देखेंगे वाई शुड वी सेव एनर्जी एनर्जी हमें क्यों सेव करनी चाहिए डी टू ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज देर इज अ डेंजर दैट लिमिटेड रिजर्व ऑफ कोल पेट्रोल एक्सेट्रा विल गेट एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड मीन्स एक दिन खत्म हो जाएंगे कि पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है कि इसके लिए जो डिमांड है रिसोर्सेज की चाहे वो कोल हो पेट्रोल हो या फिर बाकी के जो नेचर में मिलने वाले जो सोर्सेज होते हैं वो उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ चुकी है तो इसीलिए वो क्या हो सकते हैं एग्जॉस्टेड मीन्स क्या होगा एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे हेंस वे शुड हैव एनर्जी फॉर फ्यूचर जनरेशन तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें एनर्जी को सेव करना चाहिए वॉट इज ग्रीन एनर्जी तो ग्रीन एनर्जी क्या होती है द एनर्जी रिसोर्सेज विच डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड कार्बन गैसेज सच एज अ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनऑक्साइड आर कॉल्ड ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज तो ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज कि जब वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो किसी भी तरह का स्मोक या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे गैसेस तैयार नहीं होते हैं उन्हें ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है और उनसे मिलने वाली एनर्जी जो होती है उसे ही ग्रीन एनर्जी भी कहा जाता है नेक्स्ट इज सेवंथ वन वॉट आर द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस कौन से होते हैं द रिसोर्स दैट हैव नॉट बीन यूज ट्रडिशनली तो ट्रडिशनली हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं आर इन एग्जॉस्टिबल एंड कंटिन्यूस जिन्हें हम कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं और जो कभी भी खत्म नहीं होते हैं दैट कैन बी यूज इन वेरियस फॉर्म्स अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड नॉन कन्वेशनल एनर्जी रिसोर्स जो रिसोर्सेज हम बार बार यूज कर सकते हैं उन्हें नॉन कन्वेशनल एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी विंड एनर्जी टेडल एनर्जी हेडल पावर ये जो नेचर से ऑलरेडी हमें मिलते हैं और कभी भी खत्म नहीं होते हैं तो उन्हें इन एग्जॉस्टिबल या फिर और नॉन एनर्जी भी कहा जाता है एट वन विच फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज यूज सोलर एनर्जी डिवाइसेस तो आंसर में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज यूज इन सोलर कुकर्स सोलर वाटर हीटर्स सोलर ड्रायर्स सेकेंड लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज यूज इन सोलर सेल्स सोलर पैनल्स एंड थर्ड वन सोलर इलेक्ट्रिक प्लान हैव दैपेसिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल तो डिफरेंट टाइप से क्या किया जाता है सोलर एनर्जी को अलग अलग डिवाइसेस में यूज किया जाता है नाइन्थ वन है वाई शुड वी मैक्माइज द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो नॉन कन्वेस्टनल एनर्जी रिसोर्सेज रिसोर्सेस है उनका यूज़ हमें मैगजिम मैगजिमाइज मैगजिमम क्यों करना चाहिए ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन देर इज अ इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक अ पेट्रोल कोल एक्सेट्रा देयर रिजर्व आर लिमिटेड एंड दे मे गेट एग्जॉस्टेड तो ऐसे जो कन्वेंशनल uh, सोर्सेस है ये काफ़ी लिमिटेड है अगर इन्हें हम ज्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये एक क्या हो जाएंगे एक दिन खत्म हो जाएंगे जिसके कारण हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए हेज़ इट विल बी बेटर टू यूज़ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी टू सेव कन्वेंशनल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर क्वेश्चन नंबर फोर है हु इज द ऑड वन आउट तो फर्स्ट वन है डीजल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस एंड विंड तो आंसर आएगा विंड सेकेंड तो है रनिंग कार हॉलिंग अ लॉग अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल पिकिंग अप द स्कूल बैग तो आंसर आएगा अ बुक केप्ट ऑन अ टेबल थर्ड वन है सन लाइट विंड वेव एंड पेट्रोल तो इसमें आंसर आएगा पेट्रोल फोर्थ वन है लिविंग द फैन ऑन इन अ वैकेंट रूम लिविंग द टी वी ऑन वाइल वर्किंग यूजिंग ए सी ड्यूरिंग विंटर पुटिंग ऑफ द लाइट वेन गोइंग आउट तो आंसर आएगा पुटिंग ऑफ द लाइट वेन गोइंग आउट फिफ्थ वन है फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग पज़ल तो आपके बुक में जो ऊपर वाला चार्ट टेबल दिख रहा है उस तरीके से दिया हुआ है और जो ऑरेंज कलर में आपको करके दिया है वो आपके आंसर होंगे जैसे कि पोटेंशियल है उसके बाद काइनेटिक सोलर विंड साउंड लाइट हीट ये क्या है एनर्जी फॉर्म्स है जो कि आपको यहाँ पर दिए हुए हैं जो कलर करके दिया है वो आपको देखना है और यहाँ पर आंसर लिखना होगा तो देखिए इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे समझ में आ चुके होंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए